नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद ने कृषि क्षेत्र के भीतर एक क्रांतिकारी बदलाव लाए जाने की दृष्टि से कुछ निर्णय किए हैं। ये डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में आज स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दिया है, जिसका क्रियान्वयन इसी साल दो वर्ष 2023-24 से शुरू भारत सरकार ने शुरू कराई है। 12 राज्यों के भीतर पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश को भी उत्तर प्रदेश में उसमें शामिल है, जिसके लिए सहमति दी है। प्रदेश में किसानों के पास 7,87,00,000 के करीब उनके प्लॉट्स हैं, तो उनका सही आंकड़े नहीं आ पाते थे किस प्लॉट के भीतर कौन सी फसल लगी हुई है, उसमें कितने एरिया के भीतर लगी है, तो फसलों के डाटा ठीक प्रकार से नहीं मिल पाते थे। और अब यह डिजिटल क्रॉप सर्वे इसका किया जाएगा और उसमें उत्तर प्रदेश के 31 जनपद पायलट रूप से जो है इसके भीतर काम प्रारंभ किया गया है और शेष जो जनपदों के भीतर 10 राजस्व गांव के भीतर ये डिजिटल क्रॉप सर्वे पायलट रूप में शुरू किया जाएगा और एक अगले वर्ष के अंत तक उसके बाद में उनको भी इसके भीतर शामिल किया जाएगा। इसके भीतर उनकी ट्रेनिंग, इनके भीतर ट्रेनर, सर्वेयर, सुपरवाइजर और वेरीफायर, मास्टर ट्रेनर्स, हाँ 21 जिले हैं। 21 जिले के भीतर जो जिले हैं उनका नाम मैं आपको बताई देता हूँ। ये जो 21 जिले हैं उसमें भदोही, संत कबीर नगर, औरैया, महोबा, हबीबपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, जालौन, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, चंदौली, झांसी, बस्ती, हरदोई, देवरिया और गोरखपुर में 100% जियो रेफरेंस के आधार पर इनका खसरावार डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाना है और शेष 54 जनपदों के भीतर 10-10 राजस्व ग्राम उसके भीतर शामिल होंगे, जिनके भीतर ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। भारत सरकार और ये केंद्र पूर्व निर्धारित योजना है, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इसको संचालित करेंगे। 60% जो है वो इसका व्यय भारत सरकार वहन करेगी, 40% राज्य सरकार वहन करेगी और इसके माध्यम से समस्त राजस्व गांवों का सजरा मानचित्र, भू संदर्भित मानचित्र का डिजिटलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, उसको प्रत्येक खेत के साथ जियो रेफरेंसिंग हो सकेगा और भू अभिलेख के साथ मानचित्र के डिजिटलाइजेशन और अंश निर्धारण का कार्य भी राजस्व परिषद कर रही है, वो भी उसके भीतर अंकित हो जाएगी। तो इसमें 3 रजिस्ट्रियाँ होनी है, एक फार्मर रजिस्ट्री, दूसरा भू संदर्भित मानचित्र रजिस्ट्री और तीसरा ये इन तीनों को फिर एकीकृत कर इसके भीतर किया जाएगा और इनका उद्देश्य है फसलों के आच्छादन से संबंधित रियल टाइम शुद्ध डाटा प्राप्त किया जाए, जिससे योजनाओं का नियोजन और लाभार्थियों का सत्यापन, कृषि उत्पादन के विपणन आदि की सुविधाजनक व्यवस्था हो सकेगी। पोर्टल पर सब शो रहेगा तो उसके माध्यम से जो है वो जो इन प्रोसेसर्स हैं वो भी उसका लाभ पा सकेंगे। इनके किसानों का पहचान और प्रमाणीकरण इससे सुगमता से किया जा सकेगा। बार बार किसानों को विभिन्न योजनाओं के लिए प्रमाण पत्रों के लिए जाने की जरूरत होती है तो उनका आधार ऑथेंटिकेशन होने के नाते उन्हें अब उसकी आगे बार बार उसकी जरूरत नहीं होगी और इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर MOU आपस में क्रियान्वयन किए हैं और उसमें राज्य स्तर पर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी, जिसमें कि अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद रहेंगे और साथ साथ में कृषि विभाग, पंचायती राज, उद्यान और विभाग और टेक्निकल डायरेक्टर, NIC का टेक्निकल डायरेक्टर और कृषि के वित्त नियंत्रक, जेली राज्य नोडल अधिकारी और एक डिजिटल एग्रीकल्चर, ये लोग उसके भीतर उसके सदस्य होंगे। डिजिटल क्रॉप सर्वे का सत्यापन समय समय पर थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा भी कराई जाएगी।
और थर्ड पार्टी और अन्य एजेंसी का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी करेगी। इसके योजना का जो लाभ होगा, फसलवार आच्छादन की सटीक जानकारी मिल सकेगी, राज्य के वास्तविक घरेलू उत्पाद का सटीक अनुमान प्राप्त होगा, कृषि क्षेत्र के सूक्ष्म स्तर पर लक्षित क्षेत्र की योजनाओं का ठीक प्रकार से नियोजन संभव हो सकेगा, बैंक द्वारा फसली ऋण का सत्यापन बीसी के माध्यम से हो जाएगा, फसल बीमा का सत्यापन भी इसके माध्यम से हो जाएगी, मोबाइल ऐप के माध्यम से क्रॉप कटाई के एक्सपेरिमेंट का, अभी क्रॉप कटिंग जो होती है वो मैनुअली होती है, उसके माध्यम से इसका एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी प्रमाणित रूप से आ सकेगा, और आपदा के दौरान जो नुकसान होते हैं उन क्षति का भी आकलन सही तरीके से होने के नाते उसकी जो उनको क्षतिपूर्ति दिया जाती है वो ठीक समय से समयबद्ध तरीके से सर्वेक्षण और उसको राहत दी जाई जा सकेगी। कृषकों को इसका लाभ यह होगा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ के लिए बार बार सत्यापन की उनको जरूरत नहीं होगी, MSP पर खरीद के लिए जो हर साल रजिस्ट्रेशन और उनका सत्यापन कराने की आवश्यकता होती है उससे भी उनको सरलीकृत हो जाएगी, फसल के नुकसान में वास्तविक क्षति के अनुरूप उनको मुआवजा मिल सकेगा, और किसानों को लक्षित फसल के लिए कि वो किस प्रकार के क्रॉप लगाए हैं समय पर उनको हम एडवाइस दे सकेंगे कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं, और आगे मार्केट इंटेलिजेंस के माध्यम से उनको हम जानकारी दे सकेंगे कि आपको इस क्रॉप के भीतर इस मौसम में ये फसल लगाया जाना आपको ज़्यादा अनुकूल होगा, तो ये सारी सुविधाएं इसके माध्यम से उनको मिल सकेगी। प्रदेश के भीतर कृषि आधारित उद्योगों को भी इसके माध्यम से कितना हमारे पास उत्पादन है उसकी सही जानकारी हो सकेगी, जिसके माध्यम से उनको संस्थागत विपणन जो बिक्री खरीद होती है उसके लिए उनको जोड़ने का अवसर होगा, कृषि इनपुट के सप्लायर को भी ये उसे सुविधा हो जाएगी कि किस क्षेत्र के भीतर किस प्रकार के इनपुट्स की आवश्यकता है, और आंकड़ों के आधार पर जो और नवोन्मेषी कार्यक्रम है वो उसके माध्यम से चलाए जा सकेंगे। जैसा मैंने पहले बताया है कि 60% और 40% के रेशियो में भारत सरकार और राज्य सरकार इसका वहन करेंगे, और इस तरीके से ये डिजिटल क्रॉप सर्वे एग्रीटेक इसकी इस प्रस्ताव को आज हमारी मंत्रिपरिषद ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें स्वीकृति प्रदान किया है। दूसरा एक संशोधन उत्तर प्रदेश कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के उसके अधिनियम के भीतर एक संशोधन हुआ है, और पांचवा विश्वविद्यालय कृषि गौतम बुद्ध भगवान महात्मा बुद्ध कुशीनगर विश्वविद्यालय उसके भीतर जोड़ा जाएगा, और इस तरीके से जो है वो इसके अधिनियम बना करके 3 मंडल गोरखपुर बस्ती और आजमगढ़ के भीतर आने वाले 10 जनपद इसके भीतर शामिल किए जाएंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की सुविधाओं के लिए जो भी पर्यटक आए उनके अविस्थापना के लिए रुकने ठहरने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से हमारे लगभग 86 राही पर्यटक आवास गृह संचालित थे। वर्ष 22-23 में कैबिनेट से उनमें से ये निर्णय लिया गया कि जो हमारे लगातार घाटे में चल रहे थे, अव्यवस्थित नहीं थे, उस तरह के राही पर्यटक ग्रहों को PPP मोड में लोगों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। उसी के क्रम में कुल 31 जो हमारे राही पर्यटक ग्रह इसके लिए अनुमोदित मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए थे उनमें से 10 पर्यटक आवास ग्रह राही वाले जिनका बेस प्राइस से बहुत अच्छे प्रतिशत में वृद्धि दर पर टेंडरों के आधार पर ई टेंडरिंग के माध्यम से अंतिम रूप से आज उनको PPP मोड में हम लोगों ने मंत्रिपरिषद से निर्णय लिया है। यह राही पर्यटक गृह सोनौली महाराजगंज, राही पर्यटक आवास गृह बटेश्वर आगरा, राही पर्यटक आवास गृह गोकुल गांव मथुरा, राही पर्यटक आवास गृह बांदा, राही पर्यटक आवास गृह कलंजर
बांदा जिले का कालिंजर बांदा का। पांचवा है राही पर्यटक आवास गृह मथुरा। छठा है राही पर्यटक आवास गृह राधा कुंड मथुरा। सातवा राही पर्यटक आवास गृह सांडी झील हरदोई। आठवा है राही पर्यटक आवास गृह नीमसार सीतापुर। नवा है राही पर्यटक आवास गृह देवगढ़ ललितपुर। और दसवां है राही पर्यटक आवास गृह भदोही। ये अलग अलग जिनका हाईएस्ट रेट पे टेंडर आया था उनको अंतिम रूप से निर्णय लिया गया है कि इनको हम लोग ट्रिपल पी मोड में 30 साल प्लस 2 साल 30 साल पहली बार में 30 साल का नवीनीकरण और 2 साल उनको कंस्ट्रक्शन पीरियड देते हुए हम लोगों ने इन ट्रिपल पी मोड पर देने का निर्णय लिया है ताकि 30 प्लस 2 इयर्स कंस्ट्रक्शन पीरियड 30 इयर्स फिर आफ्टर 30 इयर्स रिन्यूअल कुल टोटल 62 इयर्स। इस तरह हम लोग बेहतर सुविधाएं हमारे पर्यटकों को दे सकें इस तरह इनको तैयार कराएंगे, पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनाएंगे और बेहतरीन संसाधन और सुविधाएं इन राही पर्यटकों को डेवलप करके देने का काम करेंगे। दूसरा निर्णय लिया गया है आज के कैबिनेट में कि राज्य सरकार के अधीन 75% या पूर्ण रूप से जो क्षतिग्रस्त हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हेरिटेज बिल्डिंग, हेरिटेज किला, इनको हम लोग 90 साल की लीज पर आवंटित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसमें जो हेरिटेज संपत्तियों को बिजनेस प्लान के अनुरूप हेरिटेज होटल के रूप में, माइंस एक्टिविटी सेंटर के रूप में, रिसोर्ट के रूप में, म्यूजियम हेरिटेज रेस्टोरेंट के रूप में, बैंक्वेट हॉल के रूप में, वेडिंग टूरिज्म के रूप में, एडवेंचर टूरिज्म के रूप में, होम स्टे के रूप में, थीमेटिक पार्क के रूप में, वेलनेस सेंटर के रूप में और अन्य टूरिज्म हॉस्पिटलिटी यूनिट के रूप में डेवलप करने के लिए अलग अलग विकासकर्ताओं को देने का काम करेंगे। ये जो 9 बिल्डिंगें हम लोगों ने या उनकी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त बिल्डिंग या हेरिटेज परिसंपत्तियाँ हैं उनमें पहली परिसंपत्ति है 76 मंजिल लखनऊ। इसकी 9.88 एकड़ जमीन को लिया गया है। दूसरी है चुनार किला मिर्जापुर, इसकी 21.64 एकड़ जमीन पर ये बिल्डिंग और कुल मिला के इसकी एरिया है जिसमें अर्धनिर्मित क्षतिग्रस्त बिल्डिंग और ओपन एरिया मिला के 21.64 एकड़ है। तीसरा है बरुआ सागर किला, ये झांसी में है, इसका एरिया है 7.39 एकड़। चौथा है कोठी गुलिस्ता ए इरम लखनऊ, इसका एरिया है 1.35 एकड़। पांचवा है कोठी दर्शन विलास लखनऊ, इसका भी एरिया 1.35 एकड़। ये गुलिस्तान इलम कोठी सहित। छठा है कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ कैसरबाग में है, इसका एरिया है 1.7 एकड़। सातवां है बरसाना
जल महल मथुरा, ये इसका एरिया है 1 एकड़। सातवा है शुक्ला तालाब कानपुर, इसका एरिया है 6.90 एकड़। नवा है टिकैत राय बारादरी बिठूर कानपुर, इसका एरिया है 0.217 एकड़। इसमें ये लोग अपने जो डेवलपर होंगे वो हेरिटेज होटल के रूप में कन्वर्ट करेंगे, माइंस एक्टिविटी देंगे, रिसोर्ट म्यूजियम खोल सकेंगे, हेरिटेज रेस्टोरेंट, बुटिंग रेस्टोरेंट, बैंकट हॉल, वेडिंग टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, होम स्टे, थीमेटिक पार्क, वेलनेस सेंटर और अन्य हॉस्पिटलिटी टूरिज्म एक्टिविटीज का संचालन यहाँ से कर सकेंगे। लेकिन जो मूल स्वरूप होगा किले का, उसको यथावत पूर्वत कायम रखेंगे। रेवेन्यू सरकार को पूरा रेवेन्यू मिलेगा इसका। अभी अभी हम बताते हैं, पहले ये हो जाने दो, हम बताते हैं इसका पूरा। एक आज हम लोग नई नीति उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 लेके आए। आज कैबिनेट से उत्तर प्रदेश वाटर टूरिज्म एडवेंटेज स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 आज स्वीकृत हुई है। इसके अंतर्गत अपने उत्तर प्रदेश के विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र की पहाड़ियों में, हिमालय के तराई क्षेत्रों में लगभग 16,620 वर्ग किलोमीटर के जो वन क्षेत्र हैं, सुंदर परिदृश्य, वन विस्तार, नदियां, झरने, बांध, जलाशय, झीलें, इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये नीति राज्य सरकार के द्वारा आज जो स्वीकृत की गई है कि अगले 10 वर्षों के लिए वैध होगी। इस पर हम लोग भू आधारित, बायो आधारित और जल मार्गों तीनों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए उपयोग करने का काम करेंगे। इस पर जल निकासों और भूमिखंडों पर जो जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा की एक्टिविटीज कराएंगे। इसका लिए हम लोग जो एडवेंचर स्पोर्ट यूनिट की स्थापना करेंगे, जिसमें पूर्व सैनिकों को समावेशित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम दोनों के बीच में एमओयू कराएंगे, ताकि पूर्व सैनिकों की सेवाएं उसमें हम ले सकें। इसके लिए जो अहर संचालक बनना चाहेंगे, जो लाइसेंस लेना चाहेंगे, उनके लाइसेंस की प्रक्रिया जिलाधिकारी के माध्यम से संपन्न की जाएगी। संबंधित जिले के जिलाधिकारी उन्हें लाइसेंस देंगे और एक बार का जो लाइसेंस शुरू होगा वो 5 साल तक के लिए वैध माना जाएगा। और इसी में साहसिक टूरिज्म के लिए तमाम एक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम होगा। और खास रूप से इसमें जो सारे मानक हैं वो इंडियन एडवेंचर टूरिज्म गाइडलाइन जो भारत सरकार की है, इसकी गाइडलाइन के मुताबिक सारी व्यवस्थाएँ, सुरक्षा का मानक और अन्य जो इस गाइडलाइन के अनुसार जो जो चीजें हैं वो SOP इसी के अनुसार हम लागू करने का काम करेंगे। ये नया उत्तर प्रदेश के लिए नया विषय है, जिससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलने की संभावना है, इसमें अपार संभावना है। क्योंकि विभिन्न राज्यों का हम लोगों ने जो सर्वे कराया है, चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा हो, उन राज्यों में इस तरह की गतिविधियों को पहले से ही काफी फ्रूटफुल रूप से कामयाबी के लिए नई दिशाएं मिली हैं वहाँ के टूरिज्म को, और उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को इससे एक नई दिशा निश्चित रूप से मिलने में कामयाबी मिलेगी।
लखीमपुर खीरी जनपद में हम लोगों ने जो वहां दुधवा नेशनल पार्क है उसके पास में तमाम टूरिज्म एक्टिविटीज को गति और बढ़ावा देने के लिए लखीमपुर खीरी के पास वही जो दुधवा नेशनल पार्क है उसी के बगल में सिंचाई विभाग की एक अनअप्रयुक्त जमीन जिसका रकबा लगभग 8.30 हेक्टर यानी 20.50 एकड़ रकबा की जमीन है जो सिंचाई विभाग के लिए अनुपयोगी थी क्योंकि पहले सिंचाई विभाग के भट्टे हुआ करते थे, कंस्ट्रक्शन के लिए खुद की अपनी ईंट बनाते थे और सिंचाई विभाग उसका उपयोग करता था। अब वो सारी एक्टिविटीज उनकी बंद हो गई तो वो लावारिस जमीन सिंचाई विभाग के अनुपयोगी जमीन पड़ी थी उसको डेवलप करके हम लोग वहाँ टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए आज माननीय मंत्री परिषद ने वो जमीन सिंचाई विभाग से पर्यटन विभाग को हस्तगत करने का निर्णय लिया है। ये इससे हम लोग लखीमपुर खीरी जनपद और खास रूप से दुधवा नेशनल पार्क के पास अपनी टूरिज्म की नई एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा वहाँ और बढ़ावा देने का काम करेंगे, तमाम एक्टिविटीज के लिए डेवलप करने का काम करेंगे। ये आज निर्णय लिए गए हैं। ये चार निर्णय थे जो उत्तर प्रदेश टूरिज्म के हितों के लिए माननीय मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत करने का अनुमोदन करने का काम किया गया। श्री उपाध्याय जी धन्यवाद बहुत बहुत। आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए मंत्रिपरिषद की बैठक में, उसमें जो चयन प्रक्रिया थी अब तक की जो प्रक्रिया थी उसमें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के चयन में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग तथा अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षकों के चयन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों एवं संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु संबंधित प्रबंध तंत्र एवं परिषदी विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व्यावसायिक शिक्षा विभाग के निदेशकों हेतु चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की व्यवस्था विद्यमान थी। लेकिन इसमें संगति ये देखने में आई कि यथा समय ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते थे तो उससे प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता था, चयन की नियुक्ति नहीं ठीक से हो पाती थी और उससे शिक्षा प्रभावित होती थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब इनमें चयन संबंधी दक्षता के लिए एक आयोग बनेगा पूरा जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के रूप में काम करेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ये विधेयक 2023 इसमें पारित हुआ है। इसके अंतर्गत इसमें 12 सदस्य और एक अध्यक्ष की व्यवस्था होगी। इसका हेड ऑफिस प्रयागराज में होगा और इससे भर्ती की प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता, समयबद्धता और प्रामाणिकता ये होगी। इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पारित हुआ है अपने मंत्रिपरिषद की बैठक में। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में एक निजी विश्वविद्यालय अवश्य हो और प्रत्येक मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य हो, तो उसी प्रक्रिया में निजी विश्वविद्यालयों के आने से गुणात्मक परिवर्तन आएगा शिक्षा में, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो निजी क्षेत्र में 5 विश्वविद्यालयों के स्थापना विषयक विषय आए हैं जो कि विधेयक राज्य विधानमंडल में पुनर्स्थापित किया जाना है। ये प्रस्ताव पारित हुए हैं। ये विश्वविद्यालय हैं
अग्रवन हेरिटेज विश्वविद्यालय आगरा, महावीर विश्वविद्यालय मेरठ, SDGI ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद, KM कृष्ण मोहन ने विश्वविद्यालय मथुरा, मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय फतेहगढ़, इस तरह 5 विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापित विधेयक इस बार सदन में आएंगे। एक विषय ये था, और दूसरा भारत सरकार की IT का विषय है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15/11/2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 17/20/22 द्वारा किए गए संशोधनों को अंगीकार किए जाने के संबंध में है। एक्चुअल में देश में दूर संचार के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और विकास हेतु समयबद्ध रूप से राइट ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित यह है जो आया है मंत्रिपरिषद के समक्ष। तो इसके लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो 15 नवंबर 2016 को इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016 निर्गत किया है, उसको क्रियान्वयन में अंगीकार करने के लिए ये प्रस्ताव आया था। इससे 5G रोल आउट में क्रियान्वयन की महत्ता दृष्टिगत आवश्यक बिंदुओं को समाहित किया गया है। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में 5G के रोल आउट की क्रियान्वयन को गति मिलेगी और 5G सेवाओं में प्रभावी रूप से लागू किए जाने से निवेशकों की संख्या में वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा संबंधी उपकरणों के संचालन में तथा कृषि क्षेत्र में 5G सेवाओं से संबंधित उपकरणों के उपयोग सहित अन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लाभ भी प्राप्त होंगे। जनमानस को भी इस निर्णय से 5G सेवाओं का लाभ मिलेगा। प्रस्तावित निर्णय से आम जनमानस को 5G सेवाओं का किफायती उपयोग कर सकेंगे, उन्हें सस्ती दरों पर इसका उपयोग मिल जाएगा और जन सामान्य को अपने व्यवसायिक कार्यक्रमों के निष्पादन में भी सुगमता होगी। ये पहले अलग अलग शिक्षा आयोग थे, मैंने बताया, दोबारा दोहरा देता हूं, अभी दोहराता हूं आपके सामने, सबका एक हो जाएगा। पहले उच्चतर शिक्षा के लिए जो सेवा भर्ती की वो थी, वो उच्चतर जो शिक्षा आयोग था वह करता था, इंटरमीडिएट के लिए इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा आयोग करता था। अब इस सब के लिए बेसिक शिक्षा वगैरह सबके लिए एक आयोग हो जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष होंगे, 12 सदस्य होंगे। अब एक ही आयोग से समस्त भर्तियां होंगी। नाम है उसका उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 33 प्रस्ताव आए थे, इसमें एक वापस ले लिया गया, 32 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हमारे माननीय अभी मंत्रियों ने कई प्रस्तावों पर आपसे आपको अवगत भी कराया। मैं खासतौर से कुछ विषयों पर हम आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ये सबसे पहले लोक निर्माण विभाग, धन्यवाद बहुत उपाध्याय जी। ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जनपद बदायूं में मेरठ बदायूं मार्ग राजमार्ग 18 162 से 207
किलोमीटर चैनस तक अर्थात लगभग 45 किलोमीटर का ये मार्ग दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण समृद्ध करते हुए लंबाई इसकी 45.400 किलोमीटर इसका कार्य जिसकी पुनरीक्षित लागत 316,78,13,000 रुपये GST की धनराशि 923.89 लाख को जोड़कर कुल 326,02,02,000 रुपये इसको मंत्रिपरिषद ने आज अनुमोदित कर दिया है। इससे खासतौर से बदायूं मेरठ मार्ग पर चलने वाले लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी। दूसरा प्रस्ताव भी PWD का है। ये यद्यपि PWD विभाग इसमें नोडल विभाग था, सिंचाई विभाग की जमीन 1.0254 हेक्टेयर भूमि जिसकी कुल आकलित लागत 166,26,000 रुपए है भारतीय रेल विभाग के माध्यम से रेल विकास निगम लिमिटेड को सशर्त स्थायी रूप से समूल्य हस्तांतरित करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने तो सहमति दे दी। ये रेल लाइन परियोजना है आगरा से कीठम भाड़ई बाईपास के मार्ग। तीसरा प्रस्ताव है अयोध्या शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का। हम जानते हैं कि प्रदेश में हम लगातार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में अयोध्या में 40 मेगावाट की सोलर विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए ग्राम मजरा रामपुर हरवारा एवं ग्राम मजरा सराय भरासी परगना हवेली एवं तहसील सदर में इस 165.10 एकड़ भूमि उपयुक्त पाई गई है और इसके लिए खास तौर से वहाँ 40 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा के माध्यम से पैदा करने की योजना है। इसका 9 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी। इसमें 70.08 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा जो अयोध्या शहर में ऊर्जा की मांग की पूर्ति है तो ग्रिड में फीड की जाएगी। सरयू नदी के निकट अनुपयोगी भूमि का उत्पादक उपयोग हो सकेगा अति स्थानीय स्तर पर इस पर रोजगार भी सृजित होगा। चौथा है ये भी सौर ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 तथा उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजना जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों की को भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जो गर्मी का मौसम या इन्वायरमेंटल जो डिसबैलेंस हो रहा है उसको खास तौर से ध्यान में रखते हुए ये नीति खास तौर से लाई गई है। लगातार इस बात पर बल दिया जा रहा है कि हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराएं। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 एवं उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 में परियोजनाओं को उपलब्ध भूमि उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें सौर ऊर्जा परियोजनाओं और जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए सार्वजनिक उपक्रम हेतु 1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष के सांकेतिक मूल्य पर ये सरकारी संस्थाओं को 1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष के सांकेतिक मूल्य पर तथा निजी निवेशकों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष के लीज रेंट पर अधिकतम 30 वर्षों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। निवेशक के साथ यूपी नेडा और द्वारा लीज डीट हस्ताक्षरित की जाएगी। लीज डीट के निष्पादन के लिए देश स्टाम्प शुल्क या अन्य देयताओं का वहन लीज पर भूमि प्राप्त करने वाले निवेशक द्वारा किया जाएगा। लीज हस्तांतरणी होगी और आगे किसी को ट्रांसफर या सबलेट नहीं की जाएगी। भूमि उपलब्ध कराए जाने के 2 माह के अंदर यदि निवेशक मौके पर कोई निर्माण या स्थापना कार्य नहीं करेगा तो उसे एक अवसर देकर उसको निरस्त भी की जा सकती है। ये खास तौर से हमारे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ये किया गया है। एग्रीकल्चर वाला हो गया, शाही जी कर गए। ये एक ATS सिस्टम लागू हो रहा है परिवहन विभाग की ओर से। प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वस्थता को यानी फिटनेस सर्टिफिकेट जो वाहन के लिए दिए जाते हैं उसका एक प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है खासतौर से
उसमें कंपटीशन के आधार के ऊपर हर मंडल में दो दो लोगों को इस प्रकार से नियुक्त किया जाएगा एक बिट के माध्यम से, ताकि कंपटीशन भी हो और लोगों को जल्दी से फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जा सके। ये परिवहन विभाग का है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय तथा लोक सेवा अधिकरण में लंबित सेवा संबंधी ऐसे विवाद जिनमें सरकार पक्षकार है के त्वरित निस्तारण हेतु एक समाधान फोरम के स्थान पर एक विभागीय विवाद समाधान फोरम का गठन किया गया है, जिसकी आज मंत्रिमंडल परिषद ने सहमति दे दी है। इसका उद्देश्य होगा कि सरकार के में जितने विभिन्न न्यायालयों में या कर्मचारी और जिसमें सरकार एक पक्ष है, कर्मचारियों का अधिक समय बर्बाद न हो और इसमें पैरवी करने वाले अधिकारियों का समय बर्बाद न हो, इसलिए एक समाधान फोरम का गठन करने की सरकार ने सहमति दी है। इससे न्यायालय के अतिरिक्त वादों के निस्तारण में बहुत बड़ी सुविधा होगी समाधान करवाने। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित करने के लिए भूमि क्रय करने, पिछले वर्ग क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार एवं अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को भूमि क्रय करने के लिए ऋण के मद में आवंटित धनराशि 8,000 करोड़ रुपए की कार्ययोजना के संबंध में, आप लोगों को शायद यह स्मरण हो कि 2022-23 में हमने अनुपूरक अनुदान मांगों में इस बात का जिक्र किया था कि हम बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित करेंगे और उसके लिए 8,000 करोड़ रुपया अनुपूरक अनुदान मांगों में क्वांटिफाई किया गया था। इसके दो पार्ट है, एक 5,000 करोड़ रुपए का, एक 3,000 करोड़ रुपए का। 5,000 करोड़ रुपए के पार्ट से जो धनराशि क्वांटिफाई की गई है उससे हम नव सृजित होने वाले बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन करेंगे। जिस प्रकार से नोएडा बना था ठीक उसी प्रकार से बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का गठन हो रहा है और हम उसके लिए अलग से जमीन परचेज करेंगे। साथ ही साथ जो 3,000 करोड़ रुपए का कंपोनेंट है उससे जो बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की मांग पर उक्त धनराशि में से भूमि की लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में तथा शेष 50% धनराशि का वित्त पोषण संबंधित प्राधिकरण द्वारा वित्तीय संस्थाओं स्वयं के स्रोतों से कराया जाएगा। ये खास तौर से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको देखते हुए ये किया गया है कि जितने भी और भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको जमीन खरीदने के लिए इस प्रकार की सुविधा ये उपलब्ध कराई जा रही है। ये भी अपने आप में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और खासतौर से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त अभी तक जो भूमि उपयोग परिवर्तन है उसके लिए सरकार के पास आना पड़ता था, ये पावर डेलीगेट की गई है मंडल आयुक्तों को और इसके तहत कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी प्रकार से अगर हम पूरा करना चाहें और उसमें कोई एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति की भूमि या कहीं कोई ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि जहां पर वो भूमि के वजह से प्रोजेक्ट रुकता है तो उसको ट्रांसफर करना, उसको अंतर्निहित एक्सचेंज करना, उसकी पावर भी मंडलायुक्तों को दे दी गई। उसके माध्यम से प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं। ये भी अपने आप में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इससे अब कोई परियोजना ये एक्सचेंज करने के बाद मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार कोई परियोजना में व्यवधान नहीं आएगा। कहीं कोई गली है, कहीं कोई नाली है या किसी पर्टिकुलर किसी गांव समाज की जमीन है या किसी संस्थान की जमीन है, उसको आपस में एक्सचेंज करने के लिए मैं समझता हूँ कि उठाया गया सबसे अच्छा कदम है। इस पर आज मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत सेंटर फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च फॉर कैंसर ये प्रारंभ किए जाने की योजना है। इस पर भी आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दी है। एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होगा जो हमारे इस कैंसर इंस्टीट्यूट तथा IIT कानपुर तथा इसके अतिरिक्त
एक बंबई की संस्था है कार्किनोस हेल्थ केयर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके मध्य एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होगा। हम सब जानते हैं कि अभी तक कैंसर काफ़ी देर से डायग्नोस हो पाता है, तो कैंसर जल्दी डायग्नोस हो सके उसके बारे में और रिसर्च हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जिन लोगों को हमने शामिल किया है वो लोग एक्सपर्ट हैं। 25,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन इसके लिए मुहैया कराई जाएगी, और बाकी इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत भी कर दिया गया है कि अगर आगे की कोई अनुवर्ती कोई आवश्यकता पड़ती है कि उसमें किसी प्रकार के चेंजेस की या किसी प्रकार की और उनमें सुविधा देने की, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया, ताकि इस योजना में किसी प्रकार से व्यवधान ना आए और आगे की सारे काम आसानी से होते चले जाएं और रिसर्च में इसमें सहयोग मिल सके। इसलिए इस प्रकार का ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को आज मंत्रिमंडल के द्वारा सहमति दे दी गई। इसके अतिरिक्त अभी पीछे भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की सूची एक खाके अनुच्छेद 33 के प्रावधानों के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में दान विलेखों पर संपत्ति के मूल पर हस्तांतरण पत्र कन्वेंस डीड की भांति स्टाम्प शुल्क प्रभार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के प्रावधानों के अधीन अचल संपत्ति के दान विलेख का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। देश के प्रमुख राज्यों में इसका व्यवस्था पहले से चली आ रही है। ये व्यवस्था आपको याद होगा कि 6 महीने के लिए पहले की गई थी कि अपने ब्लड रिलेशंस को अगर हम कोई ज़मीन ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें 5,000 के स्टाम्प शुल्क पर इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अधिकतम। तो ये व्यवस्था जो है वो ये बताया दे रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में भी परिवार के सदस्यों पुत्र पुत्री पिता माता पति पत्नी पुत्रवधू पुत्र की पत्नी सगा भाई सगे भाई के मृतक होने की दशा में उसकी पत्नी सगी बहन दामाद पुत्री का पति पुत्र पुत्री के पुत्र पुत्री के मध्य निष्पादित अचल संपत्ति के दान विलेख पर प्रभार स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। अर्थात इस पर भी आज मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई है। ये भी काफ़ी दिनों से लोगों की मांग थी कि ये अच्छी बहुत योजना थी और काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी। अब फिर से ये मंत्रिपरिषद की स्वीकृत मिलने के बाद ये चालू हो गई। अब संपत्ति का हस्तांतरण ब्लड रिलेशंस में बहुत सुविधाजनक तरीके से हो सकेगा जी, जब तक समाप्त न हो जाए। छह महीने के लिए नहीं, इस बार अनंत काल तक के लिए जी। नहीं नहीं, ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में और आपके जिले में जी। ये एक लैंड का ट्रांसफर है, मेरठ स्थित केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान की रक्षा भूमि का लीज समाप्त होने के उपरांत प्रदेश के भीतर स्थानांतरण, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र बाबूगढ़ हापुड़ की भूमि हस्तांतरित किए जाने के संबंध में इनके पास लगभग 554 एकड़ भूमि स्थित है, दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक के पास। इसमें से 150 एकड़ भूमि इनको दी जा रही है केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, क्योंकि इनकी लीज समाप्त हो गई। जो रक्षा की भूमि थी पहले वो अब समाप्त हो गई। हम जानते हैं कि गो संवर्धन और गो संरक्षण हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उसके लिए विशेष रूप से ये ज़मीन उपलब्ध कराई गई। इसमें खास तौर से अनुसंधान भी होगा और जो पशुओं की नस्ल का सुधार का जो कार्यक्रम चल रहा था उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये भी मेरठ के मंडलायुक्त ने जानकारी दी थी। उसी परिप्रेक्ष्य में ये 150 एकड़ भूमि इसको केंद्रीय गोवंश अनुसंधान मेरठ को ट्रांसफर की गई है। आज मंत्रिपरिषद ने उसकी भी सहमति दे दी। ये मंत्रिपरिषद ने आज अनुमोदन दिया है लखनऊ हरदोई में अवस्थित कुल 1,000 एकड़ भूमि का जो पीएम मित्र पार्क, ये खास तौर से टेक्सटाइल का है मैटर, पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान
पार्क योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण के संबंध में यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष आया था और इसमें खास तौर से टेक्सटाइल पार्क को विशेष रूप से सहमति दे दी गई है। इसमें 8 लोगों का एक बोर्ड रहेगा, उसमें 3 मेंबर भारत सरकार के हैं, 3 मेंबर राज्य सरकार के और 2 स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग, आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश सरकार, तीसरे हैं अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित कोई विशेष सचिव, तो प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र प्रधान यानी PM मित्र पार्क की स्थापना के लिए SPP को 99 वर्षों की लीज पर दी जा रही भूमि पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। इसमें किसी प्रकार का कोई स्टाम्प शुल्क नहीं पड़ेगा और भविष्य में भी जो भूमि राज्य सरकार के द्वारा स्पेशल पर्पस के लिए आवंटित की जाएगी या हस्तांतरित की जाएगी उस पर भी किसी प्रकार का कोई स्टाम्प शुल्क नहीं पड़ेगा। जनपद बस्ती गोंडा मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का संयुक्त संस्थान बनाए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने इस पर भी अपनी सहमति दे दी। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के विकास एवं निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को शैक्षिक सत्र 2023-24 में संचालित किया जाना है। इस हेतु बस्ती गोंडा मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का संयुक्त कॉलेज बनाया जाना है, इस पर भी आज मंत्रिपरिषद की सहमति हो गई। अभी तक इंजीनियरिंग कॉलेज में ये जो 4 प्रांतों में नहीं थे उसमें भी अब इसकी व्यवस्था हो गई। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 7 प्राधिकरण विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों को धनराशि आवंटित किए जाने के संबंध में ये 2022-23 में 1,000 करोड़ रुपया लखनऊ विकास प्राधिकरण को इसलिए दिया गया था कि बाकी क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को खास तौर से फैसिलिटेट करें। इसके लिए गोरखपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, बरेली और झांसी इन विकास खंडों को ये धनराशि दी जा रही है एक कर्जे के रूप में। ये 6/4/23 को जो दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे उस पर मंत्रिपरिषद ने आज सहमति दी है। भूमि अर्जन में आने वाले व्यय का 50% तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाने का प्राविधान है। नए शहरों का समग्र एवं समुचित विकास मद में वित्तीय वर्ष 22-23 में प्राविधानित धनराशि 4,000 करोड़ रुपए के सापेक्ष 1,000 करोड़ धनराशि आहरित कर शासनादेश दिनांक 31/3/23 द्वारा उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को दे दिया गया था, उनके निवर्तन पर यह राशि रखी गई। ये एक तरीके से इंटरेस्ट फ्री 20 साल का लोन है जो खास ये प्राधिकरण है गोरखपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, बरेली एवं झांसी। ये फार्मास्यूटिकल्स चिकित्सा उपकरण के लिए फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति भी प्रख्यापित की गई है, उस पर भी आज मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दे दी। इसमें खास तौर से फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस पार्क के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए की अधिकतम सब्सिडी के अधीन 7 वर्षों के लिए भूमि खरीदने के लिए लिए गए ऋणों पर वार्षिक ब्याज में 50% की ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में ब्याज सब्सिडी, बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु लिए गए ऋणों पर वार्षिक ब्याज का 60% तक ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में 7 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 10 करोड़ अधिकतम रुपए 50 करोड़ की सीमा के अधीन सामान्य सुविधाओं हेतु लिए गए ऋणों पर 5 करोड़ प्रतिवर्ष तक 7 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज के 60% ब्याज की प्रतिपूर्ति अधिकतम 30 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर इसको जो फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए ये कैपिटल सब्सिडी भी है इसकी और इसमें इंसेंटिव भी दिया गया है। इसको खास तौर से आपको डिटेल मिल जाएगी, कई पेजों की है, मैं समझता हूँ पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा।
सब लोगों को समय को नहीं करना चाहते, अलग से अलग से ये दे दें, इसको इसको दे दीजिए, ये प्रेस नोट में सबका समाहित है सारी चीज़ें, पूरी पॉलिसी। एक उपभोक्ता कल्याण कार्पस कोष का गठन किया गया है, इसमें 75% भारत सरकार का है, 25% हमारा है, खास तौर से उपभोक्ता संरक्षण के लिए, उपभोक्ता कल्याण के लिए ये राशि एक कार्पस बनाया गया है, उसी में खर्च की जाएगी। ये हुक्का बार वाला वापस दिया गया, थैंक यू वेरी मच। आज आपका बहुत समय लिया, लेकिन मैंने कोशिश की कि हम आपका समय ज्यादा बर्बाद न करें।